दलसागर बक्सर ज़िले का पहला डिजिटल गांव बन गया है। इसकी वजह से गांव का जो विकास हुआ है, इससे यहां के लोग काफ़ी खुश हैं। गांव में एक तरफ जहां ग्रामीणों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं लोगों को बैंकिंग का काम निपटाने में भी सुविधा हो रही है। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब शहर के बड़े डॉक्टरों से लोग घर बैठे इलाज भी करा पा रहे हैं। सुविधाएं हमारा ये है कि मैं शहर में नहीं जा सकती हूँ, मेरे गांव में काम हो जा सकता है। कैसे, कौन सा काम हो? मैं पैसा निकालना चाहती हूँ या और अन्य काम करना चाहती हूँ, सारा काम हो सकता है। हर तरह से दूर ना जाए के परी, हमनी के नज़दीकी तो हमारे ग्राम पंचायत है। कोनो काम नज़दीक का जल्दी होता, जैसे अभी हम आई बनी अपन पेंशन खातिर ऑनलाइन करावे खातिर, ऑनलाइन हो गई बा हमार। दलसागर CSC के संचालक जितेंद्र चौबे का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग से ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला है। वहीं छात्रों का कहना है कि उन्हें पहले कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने के लिए गाँव से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सारी सुविधाएँ CSC सेंटर पर ही मिल रही है। फॉर्म भरना हो या फिर कुछ भी करना हो, पहले इसका ज़माना यहाँ पे नहीं था, गांव में हम लोगों को ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं मिलती थी, इसलिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अब तो हर एक चीज़ गांव पे ही हो गया है। इससे इसकी तो ये फ़ायदा हुआ है कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें बहुत चक्कर काटना पड़ता था, अब उनको बैंकिंग सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम ज़रूरतें की चीज़ें यहीं मिल जा रही हैं। यहाँ पे वृद्ध लोगों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के लिए उनका यहीं पर पंजीकरण किया जा रहा है। ऐसे तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, आगे भी बहुत मिलती रहेंगी। दलसागर में ग्रामीणों के डिजिटल साक्षर होने का सबसे ज़्यादा फायदा छोटे व्यवसायियों को हो रहा है। अब लोगों को साथ में कैश लेकर चलने की ज़रूरत नहीं रही, वो डिजिटल पेमेंट के जरिए अपने पैसे के साथ ही समय की बचत भी कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।